तो गाइस आज मैं उठा हूँ हॉस्पिटल में, सोया तो हूँ ही नहीं। ये देखो मैडम जी वॉक कर रही है, डिलीवरी के लिए एकदम रेडी हो रही है। इसको थोड़ा दवा वगैरह दिया है, इंजेक्शन वगैरह ना, कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह डाल रहा है ताकि थोड़ा पेन वगैरह स्टार्ट हो जाए। एंड इसके बाद में मतलब डिलीवरी नॉर्मल से हो जाए बोल के, तो अभी वो बेड में सो 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 के सो के सो के सो के थक गई। एंड अभी वो थोड़ी देर चल रही है। मेरे पेट देखो आप लास्ट टाइम के लिए, फिर छोटा जाएगा। कल से बहुत छोटा हुआ है, पानी पानी लीक हुआ ना। अचानक से ना कल लीक हो गया था घर पे ही, तो हम तुरंत हॉस्पिटल आ गए थे अराउंड 11 बजे आई गेस। तो अभी बज चुका है अराउंड 8 बज चुका है, तो अभी ऐसे ही बोला है कि अभी पेन आराम आराम से स्टार्ट होगा, तो जैसे ज़्यादा पेन होने लगेगा फिर शायद लेबर रूम पे लेके जाएंगे इसको। और मेरा वॉइस भी आपको लग रहा होगा पूरा ना, मैं रात भर नहीं सोया हूँ एक बार भी, एंड मैं खुद ही बीमार चल रहा हूँ। इतना गले में दर्द, जुकाम, खांसी सब हो रहा है मेरे को भी, तो सिचुएशन इज वेरी टफ ना। अभी घर से मेरे मम्मी का टिकट किया था 22 तारीख को, तो मैं पहले बोल रहा था 20 तारीख को कर दूंगा बोल के, ठीक है। तो ये मेरी धर्मपत्नी मम्मी जी ने बोला नहीं नहीं इतना जल्दी नहीं होगा, 22 को करो। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने 22 को कर दिया। तो अभी मम्मी मेरे को बोल रही है कल से आज का कर दे मेरे को टिकट, कल का कर दे मेरे को आना है बोल रहे। मैं बोला मम्मी अब हो ही गया तो टिकट वगैरह, और दूसरा बहन भी है एक एंड दोस्त आया है, भाभी भी आ जाएगी आज, तो फिर हो ही जाएगा मैनेज एक आध दिन के लिए, तो आप 22 तारीख आ जाओ आराम से, कि वो मतलब ना वो करना बोल के। तो थोड़ा उनको समझाया, तो चलो गाइस अपडेट करते रहूँगा क्या होगा। एंड मेरे लिए तो बहुत टफ है यार अकेला ये सब हैंडल करना, सीख लेंगे वही चीज़ें। गाइस मैंने सुबह क्या खाया था, सैंडविच तो रात को खाया था, आराम से करो ना। सुबह भी तो रात सैंडविच तो खाया था। सुबह भी डॉक्टर सैंडविच सैंडविच बोल रही थी, लेकिन मेरे गले में दर्द है तो मैंने डॉक्टर को बोला कि मैं सैंडविच नहीं खाऊंगी, क्योंकि उसमें खीरा वगैरह होता है ना, टोमेटो, तो मुझे वो दिया था, ब्रेड दिया था और बिस्किट दिया था, चाय दिया था, मैंने खाली ब्रेड खाया था, ठीक है पानी पिया। तो अभी मुझे गर्मा गर्म सूप दिया, इतना टेस्टी है सूप, ये खा ही नहीं, ये पी ही नहीं रहे। हाँ गाइस मुझे नीचे से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, अभी मुझे सहना ही पड़ेगा। बहुत गाइस, क्योंकि मुझे दर्द नहीं हो रहा था तो ये खोलने के लिए बोला था ना। ये तो नहीं खोल सकते, ये तो मेरा काली माता का प्रसाद है, नहीं खोलना पड़ेगा ना। मैं भी मंगलसूत्र खोलेंगे कुछ देर के लिए। गाइस मुझे बीमार नहीं लग रहा है, तो ये लोग जबरदस्ती इंजेक्शन देके मुझे बीमार करा रहे हैं। ऐसे बोलते हो है कि नहीं, सच है ना, वो प्रोसेस है यार, वैसे ही होता है प्रोसेस। तो मुझे सोचो कितना दर्द हो रहा हो, कभी आगे से कभी पीछे से इंजेक्शन लगा रहे हैं मुझे, कहाँ कहाँ से हाथ डाल रहे हैं, जो भी आ रहा है ना मेरे पास मैं उसको पूछ रही हूँ, मुझे दर्द तो नहीं होगा, कोई कोई बोलती है होगा, कोई कोई बोलती है थोड़ा सा होगा। ओए मेरे चुकू रात भर नहीं सोए एकदम, मैं रात भर इनको डांट रही हूँ, सो जाओ सो जाओ सो जाओ, बड़ा असली है और ये भी नहीं छोटा सा, तो कैसे नो जाएगा वही दो से भी बुलाता हूँ। एक पेन 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 ऐसे नहीं, ऐसे ही ना बोले, ऐसे ना।
टच गर्दैन छेउ पक्रिनु यसलाई बोकेर माथिबाट कङ्ग्रेचुलेसन्स मम्मी न्यू मम्मी ड्याडीलाई और यहाँ पे डिलीवरी होने के बाद मैं डांस क्लास का काम कर रही थी। डांस क्लास का कौन सा ग्रुप क्या है इन्फॉर्म कर रही थी मेरी स्टाफ्स को, क्योंकि मुझे यहाँ पे 4-5 दिन और रहना था तो इमरजेंसी में एडमिट हुआ था। तो ये लोग पूरा दिन पूरा रात नहीं सोए बेचारा। तो देखो बेबी होने के बाद सबको सुकून मिल गया तो सब लोग यहीं पे सो रहे।
यहाँ पे मेरी बहन बेबी को शहद मुंह में चटा रही है। बोलते हैं ना फर्स्ट टाइम शहद चटाना चाहिए। Thank you. So always we need to cover the baby first.